मंडी शहर में लंबे समय से दुकानों की मांग कर रहे रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं को कई वर्षों के बाद छत नसीब होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों मंडी दौरे के दौरान रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं को दुकानें बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जो कि नगर परिषद मंडी द्वारा खर्च की जाएगी और रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं के लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी। मंडी शहर में लंबे समय से दुकानों की मांग कर रहे रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं को कई वर्षों के बाद छत नसीब होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों मंडी दौरे के दौरान रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं को दुकानें बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जो कि नगर परिषद मंडी द्वारा खर्च की जाएगी और रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं के लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी। रेहड़ी फेहड़ी विक्रेता संघ के सचिव SR राजू ने कहा कि कई वर्षों से रेहड़ी फेहड़ी विक्रेता ये मांग करते आ रहे थे कि रेहड़ी विक्रेताओं को दुकानें दी जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों के मसीहा बनकर निकले हैं। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं के लिए नई दुकानें बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने की जो घोषणा की है, जिसके लिए वह समस्त रेहड़ी फेहड़ी विक्रेता संघ की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रेहड़ी फेहड़ी विक्रेताओं के लिए मार्केट बनवाने की कृपा करें, ताकि कई दशकों से चली आ रही मांग रेहड़ी फेहड़ी वालों की पूरी हो सके और रेहड़ी फेहड़ी विक्रेता अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें। लेकिन गरीबों को मसीहा सचमुच ही अब निकले कि जिन्होंने नगर परिषद को 2 करोड़ देने की घोषणा की और कहा कि नगर परिषद जो है वो रेहड़ी फेहड़ी वालों के लिए दुकानें बना के दे। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, ठाकुर महेंद्र सिंह जी के, सांसद रामस्वरूप शर्मा जी के और सभी विधायक गणों का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस काम में सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 2 करोड़ की, वो घोषणा ही नहीं उनके मुखारबिंद से वो एक शिलान्यास हो गया है। और हम यही चाहेंगे कि उनके कर कमलों के द्वारा रेहड़ी फेहड़ी मार्केट का उद्घाटन हो, ताकि गरीब लोग जो है अपनी 2 टाइम की रोजी रोटी बड़े ही प्रेम से कमा खा सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यह हम आशा करते हैं। करोड़ों की सौगात देने वाले माननीय मुख्यमंत्री पहले जिला मंडी से बने हैं और जिला मंडी के लोगों को बहुत ही आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो युवा हैं, तेजतर्रार हैं और ऐसे परिवार से निकले हैं जो गरीब की समस्या को समझते हैं। उनके हम आभारी रहेंगे क्योंकि उन्होंने गरीबों की सुनी है। आज हम तहे दिल से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ थे और रहेंगे, क्योंकि जो काम करेगा उसी को उसी का फल मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।